अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। तो आज हम लोग दा का 11th यूज़ स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अब तक के हम लोगों ने जितने भी यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल यूज़ थे, क्योंकि उनमें हम लोगों को चंद चीज़ों का मतलब पता हो तो बस याद रखने वाली चीज़ें थी। लेकिन अब जो हम लोग यूज़ यहाँ से इस यूज़ से यूज़ नंबर 11 से ऑनवर्ड्स जितने भी यूज़ आएंगे वो सारे के सारे ऐसे यूज़ हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। अभी तक के बहुत आसान आसान यूज़ थे, फिंगर टिप्स पर आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन अभी आगे वाले जो यूज़ हैं वो भी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन समझने के बाद उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पहले समझना पड़ता है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा बोर्ड भरा हुआ है, लेकिन इसमें यूज़ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक के हैं। ये वाला हिस्सा सिर्फ यूजेस हैं, 11th यूज है, इतना सा यूज है विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मैं चाहूँ तो आप लोगों को बस सिर्फ इतना बता दूँ कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ दा यूज होता है। एग्जाम्पल्स ये दो तीन लिखवा दूँ और अपना काम ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं, मेरा मकसद है कि आप लोगों को हर चीज़ इन डिटेल पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री उसकी क्या होती है, एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जब तक कि आप लोगों को पता नहीं होंगी तो इस यूज़ का आप लोगों को समझ में कैसे आएगा ये वाला यूज़। तो चलें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। बहरहाल मैंने आप लोगों को क्या बताया कि दा का यूज़ सिर्फ इतना सा है कि विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सिर्फ इतना ही यूज़ है। लेकिन इस सिर्फ इतने से यूज़ को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो हमें समझना पड़ेगा वो ये कि एडजेक्टिव होता क्या है। मैंने पहले भी बताया कि मैं अपने चैनल पर इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन्होंने अब तक के कुछ भी ना पढ़ा हो उन्हें भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छे तरीके से पता हो कि एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्हें बिल्कुल भी ना पता हो कि एडजेक्टिव क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता है कि उन्हें पता है, लेकिन वो सुने तो हो सकता है उनकी कुछ गलतियाँ हों जो करेक्ट हो जाएँ या उन्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलें हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन, सिंपल, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई कर दे। अब देखो एडजेक्टिव के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या है, कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई कर दे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नाउन क्या होता है। तो चीज़ों से चीज़ें निकलती हैं ना, तो वही मैंने कहा कि यहाँ से जितने भी यूजेस हैं इन्हें डिटेल समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी जानवर का या किसी भी चीज़ के नाम को, नाम को रिपीट कर रही हूँ, नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, कोई भी शख्स, जगह, चीज़, जानवर, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन समझ में आ गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन को क्वालिफाई करे, यानी कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी इंसान के, किसी भी चीज़ के, किसी भी जगह के, किसी भी जानवर को मज़ीद क्वालिफाई करे, यानी कि उसके बारे में मज़ीद आप लोगों को कुछ बताए कि वो चीज़ कैसी है, वो जगह कैसी है, वो जानवर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, कैसा है, उसकी खसूसियत, उसकी खासियत, उसकी कमी, उसकी खूबी, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी कमी, उसमें उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ, कुछ भी जो भी आप लोग समझना चाहें उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, किसी भी नाउन की, यानी कि किसी भी इंसान, जगह, जानवर या चीज़ की खासियत को, खासियत को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उम्मीद करती हूँ एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगेन कहूँगी FB का ऑप्शन है आप लोगों के पास, इंस्टा का ऑप्शन है आप लोगों के पास और कमेंट सेक्शन का ऑप्शन तो है ही है। लाजमी मुझसे पूछिए, लाजमी मैं आप लोगों को हर सूरत आप लोगों को मैं जवाब दूंगी, या हो सकता है मजीद वीडियोस बनाकर भी एक्सप्लेन कर दूं अगर किसी को किसी भी चीज़ में कोई भी क्वायरी हो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन यानी कि किसी भी जगह, जानवर, चीज़ या इंसान की खासियत को, नाउन खासियत को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब खासियत में अच्छाई भी आ जाती है, बुराई भी आ जाती है, कमी भी आ जाती है और तारीफ भी आ जाती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी बताए, उसकी अच्छाई बताए, उसकी बुराई बताए, कुछ भी बताए, बस वो उसकी खासियत बताए, तो वो लफ्ज़ क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा।
तो चलें जी, हमें ये तो समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव की डिग्रीज को समझते हैं कि एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या होती हैं। जब एडजेक्टिव की डिग्रीज हम लोग समझेंगे तो हम लोग को सुपरलेटिव डिग्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक और बात यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होंगे जिनमें एडजेक्टिव भी आएगा, और इन सारी चीज़ों को, नाउन को, एडजेक्टिव को, हर चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इस यूज़ को समझाने के लिए मैं चाहती तो आप लोगों से कह देती ये यूज़ सिर्फ इतना भी आप लोग याद रख लें, आगे हम लोग नाउन एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब समझ में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, मुझे इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर करना है ताकि इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, जिसके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नाउन का दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का दिया, और थोड़ा सा बिल्कुल इंट्रोडक्शन डिग्रीज का भी दूंगी। लेकिन इन सब चीज़ों का हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। सबसे पहले देखिए, जरा एडजेक्टिव की एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल सी एडजेक्टिव, अभी कोई डिग्री की बात नहीं हो रही। सिंपल एडजेक्टिव क्या है? स्मॉल। स्मॉल का मतलब छोटा, ठीक है। अब ये किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है, किसी शहर के बारे में, या किसी जगह के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, सपोज किसी टेबल के बारे में, किसी लैंप के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है कि वो चीज़ क्या है, छोटी है। तो ये क्या बता रहा है? उसकी बुराई बता रहा है, यानी कि उसकी खासियत बता रहा है, ठीक है। और क्या? टॉल। टॉल यानी कि लंबा, ये भी उसकी खासियत है। क्यूट, ब्यूटीफुल। इसी तरीके से कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफ़ेद है, पीला है, किसी चीज़ का रंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी एडजेक्टिव के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब ये तो आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है। कोई भी ऐसा लफ्ज, छोटा, बड़ा, क्यूट, ब्यूटीफुल, काला, गोरा, पतला, मोटा, जो भी, जैसा भी, बस वो लफ्ज़ जो किसी भी नाउन की तारीफ बयान कर दे, उसकी खासियत बता दे, उसकी अच्छाई कर बयान कर दे, उसकी बुराई बयान कर दे, वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। एडजेक्टिव के एग्जांपल से एडजेक्टिव का आइडिया अच्छे से हो गया होगा। अब हम लोग करते हैं, एडजेक्टिव की एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क है, गौर से सुनिएगा। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है, जब हम देखिए, कंपैरेटिव वर्ड से ही समझ में आ जाता है, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर वर्ड से बने हैं, कंपैरेटिव, कंपेयर। कंपेयर हम क्या करते हैं, नॉर्मली दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं कि एक इंसान टॉल है और एक इंसान शॉर्ट है। मतलब जैसे अली अहमद से लंबा है, तो अली इज टॉलर देन अहमद, तो वहां पर टॉल इस्तेमाल हो जाएगा ना। तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंपैरेटिव डिग्री वर्ड कंपेयर से निकला है, कंपैरेटिव वर्ड कंपेयर से निकला है, और कंपेयर हम नॉर्मली दो चीज़ों के दरमियान करते हैं, ठीक है। दो इंसानों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, दो जानवरों के दरमियान, या दो जगहों के दरमियान। जहाँ तक की बात रही सुपरलेटिव की, सुपरलेटिव में हम लोग दो से ज़्यादा, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे दस हो, चाहे बीस हो, या चाहे सौ हो, या चाहे अनगिनत हो, सुपरलेटिव में हम दो से बहुत ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपेयर करते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव नाम देखें, सुपर का मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे अच्छा, जो सबसे बढ़तर हो, चाहे सबसे अच्छा हो या चाहे सबसे बुरा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा। सुपर का मतलब सबसे ऊपर, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, बस सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव मतलब जब हम दो से ज़्यादा बहुत सारों के बीच में कंपेयर करेंगे तो कोई एक ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा होगा, चाहे वो अच्छा हो या चाहे बुरा हो, बस सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कब आएगा? जब हम दो से बहुत ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है। याद क्या आप लोगों ने रखना है, कंपेरेटिव डिग्री का मतलब है कि दो लोगों के दरमियान कंपेरिजन किया जा रहा है, और सुपरलेटिव का मतलब है कि दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब दो के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है ना, तो मैंने एक एग्जांपल भी अभी ऐसे ही पढ़ दी थी, क्या, टॉल को लेकर मैंने एक एग्जांपल पढ़ी थी। चलें हम लोग क्यूट को लेकर या स्मॉल को लेकर पढ़ लेते हैं। दिस पेंसिल इज स्मॉलर देन दिस पेन, ये पेंसिल इस पेन से स्मॉलर है, ठीक है ना। तो मतलब ये पेंसिल इस पेन से छोटी है, या अली इज टॉलर देन अहमद। जब दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन होता है तो फिर जो डिग्री लगती है वो क्या लगता है, फिर क्या लगता है, आखिर में ER लगता है, स्मॉलर, टॉलर, क्यूटर। यानी कि सिर्फ दो के दरमियान कंपैरिजन है, एक से ज़्यादा छोटा ये है, एक से ज़्यादा लंबा ये है, एक से ज़्यादा क्यूट ये है, ठीक है। ER क्या बताता है कि कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है।
ER बताता है कि कितने लोगों के दरमियान मवाजना किया गया है, दो के दरमियान। इसी तरीके से सुपरलेटिव की भी एक खास पहचान है, सुपरलेटिव में EST लग जाते हैं, स्मॉलेस्ट। अब जहाँ पर स्मॉलर की जगह, स्मॉलर का मतलब था, टॉलर का मतलब था, अली इज टॉलर देन अहमद का मतलब अली अहमद से लंबा है, सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अली इज टॉलेस्ट, सिर्फ इतना कह दूँ, ये चले मैं जुमला मुकम्मल करती हूँ, अली इज टॉलेस्ट इन द क्लास, यानी कि क्लास के तमाम, अब सिर्फ अहमद से कंपैरिजन नहीं हो रहा अली का, अब अली का कंपैरिजन पूरी क्लास से हो रहा है, अली की पूरी क्लास से हो रहा है, अली इज टॉलेस्ट इन द क्लास, ठीक है ना। अली इज टॉलेस्ट इन द क्लास यानी कि अली पूरी क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है, तो टॉलेस्ट EST का बात है जब हमें बताना हो सबसे ज्यादा, जब हमें सबसे ज्यादा बताना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, EST, अली इज टॉलेस्ट। अगर मैं टॉलेस्ट इन द क्लास ना भी बोलती, अगर मैं सिर्फ टॉलेस्ट भी बोलती तो EST क्या बता देता, EST बता देता कि वो सुपरलेटिव डिग्री है, और EST ये भी बता देता कि दो लोगों से ज्यादा के दरमियान मवाजना किया गया है। तो इतना कुछ बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था। कंपैरेटिव डिग्री में आप लोगों ने याद रखना है कि दो के दरमियान मवाजना किया जा रहा है, सुपरलेटिव में याद रखना है कि दो से ज्यादा के दरमियान मवाजना रखा जा रहा है, और अभी यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है एंड में, सुपरलेटिव में EST लगता है। ER का मतलब है कि दो के दरमियान, और EST का मतलब है कि दो से ज्यादा के दरमियान मवाजना किया गया, ठीक। ER कंपैरेटिव की पहचान है, EST सुपरलेटिव की पहचान है। लेकिन अब देखें, अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जैसे सपोज यहाँ पर है इंटेलिजेंट और यहाँ पर है ब्यूटीफुल, तो मुझे बताएं क्या कभी किसी ने सुना है इंटेलिजर, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, क्या सुने कभी किसी ने? नहीं ना। तो ऐसे भी कुछ लफ्ज होते हैं कि जिनके आखिर में ना ER इस्तेमाल किया जा सकता है और ना EST इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर हम क्या करें? कंपैरेटिव की पहचान ही ER है और सुपरलेटिव की पहचान ही EST है, फिर हम क्या करें ऐसे अल्फाज के साथ? तो फिर हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में हम ER की जगह पर उन अल्फाज से पहले मोर का इस्तेमाल कर देते हैं, और सुपरलेटिव में हम EST के दरमियान, EST के बजाय उन अल्फाज के साथ मोस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। मोर ब्यूटीफुल का मतलब दो लोगों के बारे में बात की जा रही है, सना इज मोर ब्यूटीफुल देन सारा, ठीक है, दो के दरमियान बात की जा रही है, सना सारा से ज्यादा खूबसूरत है, दो के बीच में मवाजना हुआ है, मोर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में ER नहीं लग सकता था, यह ब्यूटीफुलर नहीं होता कोई भी वर्ड, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ सना इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द होल कंट्री, इन द होल क्लास, इन द होल स्कूल, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो सकता था, इसलिए मोस्ट ब्यूटीफुल लग जाएगा। तो देखें, कंपैरेटिव की पहचाने ER और मोर, कंपैरेटिव की ये दो पहचाने ER और मोर, सुपरलेटिव में ER की जगह EST आ जाता है और मोर की जगह मोस्ट आ जाता है। डिग्रीज का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब जो पता करने वाली बात यह है कि हम लोग किसके यूजेस पढ़ने। अब देखिए, नाउन समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होता है, किसी भी जगह, चीज, जानवर या इंसान के नाम को नाउन कहते हैं। अब नाउन को जो भी नाउन की खासियत बयान कर दे, अच्छाई हो या बुराई हो, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एडजेक्टिव की दो डिग्रीज होती हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। अब हम लोगों ने ये देखना है कि मेन चीज पर हम लोग अपने मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। हमारा मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट मैंने आप लोगों से कहा था हमारा सिर्फ इतना सा है। क्या है हमारा मेन पॉइंट? विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हम लोगों ने समझ लिया एडजेक्टिव क्या है, है ना, हम लोगों ने समझ लिया सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सही। एडजेक्टिव सबको क्लियर है, सुपरलेटिव डिग्री सबको क्लियर है, तो अब हम लोग मेन चीज पर आ जाते हैं। मेन चीज क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस ऑफ द पढ़ रहे हैं, है ना। अब यूजेस ऑफ द में 11th यूज है विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो मतलब द कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं होता, जब जब कहीं पर भी ना सिंपल एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। द ना सिंपल एडजेक्टिव के साथ यूज होगा, ना एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होगा, द सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होगा। इसीलिए मैं क्रॉस लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रह जाए, ठीक है ना। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज नहीं होगा, ना सिंपल एडजेक्टिव के साथ द यूज होगा, द
एडजेक्टिव की जहां जहां सुपरलेटिव डिग्री देखी जाए, जहां जहां किसी एडजेक्टिव के साथ ईएसटी लगा हुआ देखा जाए, जहां जहां किसी एडजेक्टिव के साथ मोस्ट लगा हुआ देखा जाए, जैसे यहां पर एग्जांपल्स भी हैं। अब समझ में आ रहा है, देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किसी की इंटेलिजेंस बता रहा है ना, तो क्या है, एडजेक्टिव है, किसी इंसान की इंटेलिजेंस ही बता रहा होगा, एडजेक्टिव है, उसकी खासियत बता रहा है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है, क्यूट, क्यूट के साथ ईएसटी लगा हुआ है, टफ, टफ के साथ ईएसटी लगा हुआ है, तो ये सारी डिग्रीज कौन सी हुई, सुपरलेटिव डिग्रीज हुई, और इन सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ क्या यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है, तो इन शॉर्ट द एडजेक्टिव्स की इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, क्यूट एडजेक्टिव है, टफ एडजेक्टिव है, इन सब की सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ क्या यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है, तो सिंपल सा यूज है विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स।